और ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कैराना, रामपुर, पीलीभीत में मतदान समाप्त हो चुका है। वहीं मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर में भी वोटिंग समाप्त हो चुका है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी पहले चरण में मतदान समाप्त हो चुका है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सील कर लिया गया है और पीठासीन अधिकारी सीलिंग की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां की सभी 8 पहले चरण के तहत 8 लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो चुके हैं। और इसी सिलसिले में अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से रेहान वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आपने वोटर्स से बात की है, कैसा रहा है उनका उत्साह, आपको कैसा उत्साह दिखा है वोटर्स के बीच? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव था। और अगर हम लोकसभा सीटों पर मतदान की बात करें तो 57.54% मतदान हुआ है, जहां अगर पीलीभीत की बात करें तो 60%, मुजफ्फरनगर 60%, सहारनपुर में 63%, मुरादाबाद में 57%, कैराना में 58 और नगीना में 58% है। इसी के साथ साथ हर जगह कहीं ना कहीं परसेंटेज बढ़कर मतदान हुआ है और जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं जागरूक दिखे और अपने अपने मत का प्रयोग किया। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो ईवीएम मशीनें हैं और वीवीपैट हैं उन सबको पैक कर दिया गया है और प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अभी आने वाले समय में उनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। सर, पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, क्या लगता है आपको इसके बाद अगले चरण में क्या मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को? जी बिल्कुल, अगर मतदान की बात करें तो प्रशासन समेत, चाहे डीएम की बात करें या एसपी की बात करें या जो जोनल अधिकारी हैं, लगातार ये कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक है क्योंकि विकास के नाम पे इस बार जनता वोट कर रही है और कहीं ना कहीं जो मतदान है वो परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, आप हमें ये बताइए कि क्या लगता है आपको, युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगों, इन लोगों ने किस किस मुद्दे पर वोट डाला है आज? जी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो युवा है, अब अगर महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पे, इन्हीं सब चीजों पे लोग वोट कर रहे हैं। और रेहान, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रेहान, हमें बताइए कि पूरे दिन भर में लोगों में लोकतंत्र का इस त्योहार का बहुत ही उत्साह देखने को मिला है, क्या लगता है आपको अगले चरण में भी यही उत्साह लोगों में दिखेगा हमें? जी बिल्कुल, यही उत्साह मिलेगा क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। और अगर चाहे महिलाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहा है। रेहान, 4 जून के बाद क्लियर होगा कि किसकी सरकार रहेगी, क्या होगा, तो आपको क्या लगता है रुझान किसकी तरफ है? फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान हुआ है तो अभी ये कह पाना संभव नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और अगर देश की बात करें तो पूरे देश में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और ये खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को मतदान खत्म होने के बाद सील कर दिया गया है। वहीं पीठासीन अधिकारी सीलिंग की प्रक्रिया में लग गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां 8 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। कैराना, रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लोकसभा चुनावों का मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीनें हैं उनको सील भी कर दिया गया है।